हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट वन का रिजल्ट कब घोषित करेगा। आप सभी को पता होगा पूर्णिया यूनिवर्सिटी पार्ट वन का नोटिस एक जारी किया था कि वो 7 मार्च से पहले यानी मार्च के प्रथम सप्ताह में किसी दिन भी रिजल्ट घोषित कर सकते थे, लेकिन किस कारण से वो घोषित नहीं कर पाए ये आज आपको मैं बताऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सारा नोटिफिकेशन पूर्णिया यूनिवर्सिटी का आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये कारण बताना चाहता हूँ कि एक जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम केवी झा कॉलेज में नहीं हो पाया था, जिसके कारण पूर्णिया यूनिवर्सिटी अभी तक पार्ट वन का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। तो आपको एक नोट दिखाई दे रहा होगा, देखिए तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये 6 मार्च का जो है नोटिस है। तो इसमें बताया गया जो उसका पार्ट वन का जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम छूट गया था केवी झा कॉलेज, वो अब 11 और 12 को प्रैक्टिकल लेगा। उसके बाद 14 तक में उसको पूर्णिया यूनिवर्सिटी में जाके जमा करना है। जमा करने के बाद वो जो है 16-17 मार्च को कभी भी रिजल्ट घोषित कर सकते। तब तक बने रहे मेरे चैनल पर और जितने भी नोटिस आता रहेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें।